हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट 13 टुडे। नेक्स्ट 13 में एक न्यू फीचर ऐड हुआ था जो कि ऐप डायरेक्टरी जो कि बीटा वर्जन में करंटली, उसमें एक लोडिंग यूआई के नाम से फीचर भी ऐड हुआ था जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन रिएक्ट सस्पेंस है या लेजी लोडिंग जो कि रिएक्ट में इम्प्लीमेंट होती थी। इसका बेसिकली एक ही मकसद है, जस्ट टू शो अ प्लेस होल्डर या फॉल बैक फॉर योर कंपोनेंट या पेजेस। लेट्स से अगर आप एक एक पेज से डाटा फेच कर रहे हैं तो यू कैन शो लोडिंग कंपोनेंट अंटिल दैट डाटा लोड्स। सेम गोज फॉर सर्वर साइड कंपोनेंट्स। तो आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट टुडे फॉर आल्सो एक अ स्मॉल प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे इसके थ्रू टू गेट मोर आइडिया अबाउट इट। अ क्विक डेमो ऑफ व्हाट आई विल बी बिल्डिंग टुडे। सिंपल एक प्रोडक्ट्स का पेज है जिसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स शो होंगी एंड विद द हेल्प ऑफ लोडिंग हम ये स्केलेटन लोडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स डाइव इन थ्रू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं फर्स्ट। ये क्वेश्चन कुछ पूछेगा, इसमें आपने एक चीज़ बेसिकली लाजमी करनी है, वो ये है कि ऐप डायरेक्टरी जो है उसको आपने यस करना है। वुड यू लाइक टू ऐड टाइप स्क्रिप्ट? नो फॉर नाउ। ESLint फॉर नाउ। एस्केप सोर्स डायरेक्टरी, ऐप डायरेक्टरी, इसको आपने लाजमी यस करना है और बाकी आई थिंक इट्स जस्ट अ कॉल अपडेट। VS Code मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। देयर इज़ द बॉयलर प्लेट फॉर नेक्स्ट 13। बेसिकली वी हैव ऐप डायरेक्ट्री जिसमें लेआउट और पेज डॉट जे एस है। नो, पेज डॉट जे एस इज द बेसिकली द मेन पेज जो कि लोड होगा एट होम पेज, और लेआउट बेसिकली अ रैपर है जो कि एक्ट एज अ रैपर। HTML या बॉडी और हेड, आप उसमें अगर मेटा टैग डालना चाहते हैं तो उसमें वो भी डाल जाते हैं, तो स्टफ लाइक दैट। अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो ये इनिशियल बॉयलर प्लेट है नेक्स्ट JS का, जो कि आई थिंक मुझे नहीं चाहिए। तो लेट्स रिमूव दिस। तो होम पेज पे मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाल रहा, आई गेस एक लिंक डाल देता हूँ जो कि इट विल टेक अस टू प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट्स का पेज बना लेते हैं जो कि बेसिकली हैंडलिंग सारी प्रोडक्ट्स की करेगा, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि राउटिंग किस तरह काम करती है। तो ये एक लिंक शो हो रहा है जो कि प्रोडक्ट्स के पेज पे ले जाएगा। करंटली प्रोडक्ट्स का पेज नहीं एग्जिस्ट करता, तो लेट्स मेक दैट। ऐप डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनेगा प्रोडक्ट्स के नाम से। आप प्रोडक्ट्स के अंदर इंडेक्स डॉट जे एस पहले होता था पेजेस के अंदर, जो कि एक्ट एज मेन पेज एक्ट करता था, बट नेक्स्ट 13 में पेज डॉट जे एस एक्स अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये इट इज़ सिमिलर टू इंडेक्स डॉट जे एस एक्स। और इसमें एक फंक्शन कंपोनेंट बन जाएगा जो कि एक्सपोर्ट फंक्शन। आई थिंक कॉल बैक फंक्शन नहीं काम करते नेक्स्ट सर्वर साइड फंक्शन में, तो यू हैव टू यूज़ डिफॉल्ट फंक्शंस। तो लेट्स से वी हैव दिस।
अगर मैं प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ तो वी सी द प्रोडक्ट्स, तो लेट्स गो फर्दर। प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली मैं चाहता ये हूँ कि मल्टीपल कार्ड्स जो हों प्रोडक्ट्स के, उसके लिए एक फेक एपीआई है डमी जेसन के नाम से, जिससे हम प्रोडक्ट्स गेट कर लेंगे, जस्ट टू गेट सम आइडिया। तो इफ आई यूज़ ओके नेक्स्ट 12 या नेक्स्ट 13 से पहले वी यूज़ टू डू एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गेट सर्वर साइड प्रॉप्स या गेट सर्वर साइड पैराम्स, वो नेक्स्ट 13 में इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है, वो डेप्रिकेट हो गया। अब जो बेसिकली यूज़ होता है, यू कैन जस्ट सिंपली डिफाइन अ फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स एंड यूज़ इट एज एन एसिंक फंक्शन, लेकिन इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक। मैं नेटिव फेच यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक नेटिव फेच जो है नेक्स्ट जेएस में क्वाइट पावरफुल। आई थिंक इन्होंने कुछ और फीचर्स भी फेच में ऐड किए हैं, जो कि आई थिंक कैशे और स्टफ लाइक दैट, बट इफ़ यू प्रेफर एक्जियोस या रिएक्ट क्यूरी तो वो भी यूज़ हो सकते हैं, वो आपके आपकी प्रेफरेंस है। जस्ट डेमो के लिए मैंने फेच यूज़ किया। सो इफ आई डू कंसोल लॉग रेस एंड कॉल इट हेयर प्रोडक्ट्स इक्वल टू अवेट गेट प्रोडक्ट्स, इसको भी एसिंक करना पड़ेगा। लेट्स सी ओके, फेच को मैं जेसन में कन्वर्ट कर देता हूँ। जेसन ओके, व्हाट आर वी गेटिंग? यहाँ पे तो हमें प्रॉमिस ही मिल रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे अगर मैं ओके, मैं रिटर्न नहीं कर रहा डाटा को, रिटर्न रेज डॉट जेसन। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट्स करता हूँ तो वी गेट द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 100 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। तो गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग इनको मैं हाउ अबाउट इसको मैं रेंडर करवा दूँ फ्रंट एंड पे। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आई थिंक लेट्स सी ओके, ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो हाउ अबाउट वी नेम इट डेटा एंड डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप, राइट? और पी आर, इसमें मैं फॉर नाउ मैं आई थिंक पी डॉट टाइटल रेंडर कर देता हूँ, जस्ट टू सी के हमारे पास फ्रंट एंड पे क्या आ रहा है। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास शो हो रही हैं। इसके अलावा काफ़ी डाटा है हमारे पास जो कि एपीआई के अंदर से आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे आपको शो हो सकता है। नहीं, क्योंकि सर्वर साइड फेच है आई थिंक, सो यहाँ पे नहीं आपको शो होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द ग्रिड। आई थिंक 2 का कॉलम्स बना के उसमें हम मल्टीपल कार्ड शो करा देंगे, या आई थिंक कार्ड पहले बना लेते हैं। तो फॉर दैट लेट्स डू समथिंग लाइक पहले तो एक जो थंबनेल इमेज है वो शो होगी, जो कि
इमेज टैग के थ्रू शो होगी, जो कि नेक्स्ट इमेज देता है। और इसमें जो सोर्स आएगा हमारे पास PR डॉट, आई थिंक यहाँ पे हमें इमेजेस की एरे गिवन है, तो हम इसमें से उनके थंबनेल भी है तो वी कैन यूज दैट। और आर्ट में हम डाल देते हैं थंबनेल प्रोडक्ट एंड फिल। अब फिल मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैं फिक्स विड्थ नहीं देना चाह रहा, तो आई थिंक वो पेरेंट के थ्रू उसको मैं फिल विड्थ दे दूँगा। इट विल टेक द पेरेंट फुल विड्थ। और लेट्स सी, इनवैलिड सोर्स प्रॉप ऑन नेक्स्ट इमेज। ओके, होस्ट नेम आई डॉट इमेज और जेसन इज नॉट कॉन्फ़िगर अंडर इमेजेस इन योर नेक्स्ट कॉन्फ़िग। ओके, अच्छा इसको मैं नेक्स्ट कॉन्फ़िग में एज अ होस्ट ऐड कर देता हूँ फॉर नाउ, जस्ट टू अलाउ इट। रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को, और लेट्स सी द चेंज। ओके, इमेजेस शो हो रही हैं बट फिल की वजह से आई थिंक जो नेक्स्ट में हमने फिल लगाया हुआ है ये टेकिंग अप द होल स्पेस। तो कार्ड इमेज जो क्लास है उसको मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। जो ग्लोबल सीएसएस में जो स्टाइल्स हैं वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट एडिंग माई ओन बिट। ये स्टाइलिंग वाला पार्ट अगर आपने स्किप करना है तो भी चेक कर लें। लोडिंग की तरफ मैं बस थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें तो उसकी तरफ आते हैं। एंड बॉक्स साइजिंग, कार्ड इमेज। अब जो कार्ड इमेज के अंदर स्टाइलिंग होगी हमारी वो ये होगी कि इसकी विड्थ जो है वो कार्ड के हिसाब से 100% होगी, पोजीशन रिलेटिव। अब ये लाजमी है क्योंकि जो फिल है वो एब्सोल्यूट टू आई थिंक स्क्रीन होता है, तो यू हैव टू यूज़ पोजीशन रिलेटिव। तो इट्स जस्ट एब्सोल्यूट टू दिस डिव। हाइट मैं कस्टम 200 पिक्सल्स कर देता हूँ और बॉर्डर रेडियस ऑफ 6 पिक्सल्स मे बी। और ओके, हमारे पास इमेज शो हो रही है सारी। अब पर नाउ हमने कार्ड्स की कोई अलाइनमेंट नहीं डिफाइन की। अगर मैं आई थिंक फॉर नाउ आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन होगा जो कि इमेज होगी हमारी, दिस अ क्लास ऑफ कार्ड टेक्स्ट। कार्ड टेक्स्ट में एक तो टाइटल आएगा जो कि टॉप पे शो होगा, लेट्स मेक इट एच टू, और PR डॉट टाइटल। इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ। क्लासेस में इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि स्केलेटन लोडिंग जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है उसमें इन क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। आई गेस इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके लिए सेपरेट कंपोनेंट बनेगा जो कि सिमिलर इसी स्टेट में होगा। कार्ड टाइटल आ जाएगा
इसके अलावा एक हेडिंग फोर जो कि ब्रांड के लिए, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड ब्रांड। और एक पी टैग आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए, पी डॉट इन डिस्क्रिप्शन। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड इन डिस्क्रिप्शन की। और लास्ट में एक आ जाएगा हमारे पास प्राइस बार जो कि प्राइस और रेटिंग शो करेगा। पी डॉट प्राइस और एक भी इधर ही आ जाएगा दूसरा भी जो कि रेटिंग के लिए होगा। ठीक है, रेटिंग वाला बेसिक सिंपल सा कैन गो विथ रेटिंग, ठीक हो गया। तो लेट्स सी हमारे पास क्या डाटा है। पी डॉट डिस्क्रिप्शन, ओके पी आर डॉट, ठीक है हमारे पास डाटा शो हो रहा है। इसको कार्ड कार्ड के फॉर्म में कर देते हैं। फॉर दैट मैं इस पेरेंट डिव को कार्ड की क्लास दे देता हूँ, या फिर ओके ठीक है कार्ड की क्लास। एक और चीज़ जो कि आई थिंक रिएक्ट में भी काफ़ी इशू होता है, ये की प्रॉप का, तो वो लाजमी है पी आर डॉट आई डी। अब वो वार्निंग भी नहीं शो हो रही, तो ओके ओके। अच्छा कार्ड को मैं कार्ड को स्टाइल कर लेते हैं कार्ड की स्टाइलिंग में क्या क्या आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस ऑफ 6 पिक्सल्स, ओवरफ्लो हिडन एंड बॉक्स शेडो ऑफ 0.01 पिक्सल्स, RGBA 4 कर देते हैं। ठीक है, पर नो अभी आइडिया नहीं हो रहा कार्ड का। ओके अब फाइनल थिंग आई थिंक कि ये होगी कि इन कार्ड्स को मैं ग्रेड में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ग्रेड में ऑटोमेटिकली वेट एडजस्ट हो जाएगी और वो कार्ड्स को भी वेट मिल जाएगी पेरेंट के साथ। तो इट विल बी प्रोडक्ट्स ग्रेड के नाम से अगर मैं क्लास बनाता हूँ, इसको मैं सिंपल डिस्प्ले ग्रेड और ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स पीट ऑटो फिट मैक्स 300 पिक्सल, मे बी 400 पिक्सल्स कोमा 1 FR। ये इससे बेसिकली आपकी 400 पिक्सल्स की कॉलम बन जाएंगे और ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे स्क्रीन साइज के हिसाब से। और लास्ट में एक गैप ऑफ 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, ओके तो ग्रेड्स बन चुकी हैं। इसमें और बेहतर करने के लिए एक और चीज़ हो सकती है जो कि है कंटेनर। अगर मैं एक अदद कंटेनर इसमें ऐड कर देता हूँ, अब लेआउट काम आ सकती है हमारे। अगर मैं जो प्रोडक्ट्स के अंदर एक लेआउट का बना देता हूँ जो कि ओवरऑल लेआउट को हैंडल कर रही है, वो यूज़फुल रहेगी इस मामले में। तो लेआउट डॉट जे एस एक्स अगर मैं बनाता हूँ और इसमें एक
डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट्स लेआउट के नाम से, ठीक है। लेआउट में बेसिकली तमाम जनरल रेंडर होते हैं, और इसकी जो मेन लेआउट है इसको मैं अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ इफ़ आई वांट। अगर मैं क्लास दे देता हूँ लेट्स से, या इनलाइन स्टाइल फॉर नाउ कर देता हूँ मेन स्टाइल्स के नाम से या कंटेनर के नाम से, तो लेट्स मेक कंटेनर। कंटेनर की बेसिकली मैं टाइप्स रखूँगा वेट ऑफ 80%, मार्जिन 0 ऑटो टू सेंटर ऑल ऑफ देम, एंड एडिंग अ लिटल ऑफ 6 रैम, मिनिमम हाइट वुड बी 100 यूपोर्ट विथ यूपोर्ट हाइट, ठीक है। तो लुकिंग मच बेटर आई थिंक। कार्ड के दरमियान, कार्ड के जो कंटेंट है उसके दरमियान थोड़ी सी पैडिंग का मसला है, वो सेट कर लेता हूँ। उसमें हमारे पास आ जाएगा, ओके, लेआउट की लेआउट होगी हमारी, और रेस्ट इज़ अप टू द कार्ड और कार्ड टेक्स्ट। कार्ड टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, कार्ड टेक्स्ट में बेसिकली पैडिंग आएगी 10 पिक्सल, और वेट आ जाएगी हमारे पास 90% की, और मार्जिन वुड बी 0 ऑटो, ठीक है। सिमिलर फॉर कार्ड इमेज, इमेज की वेट 100% है ऑलरेडी, आई थिंक वो हुआ है, मैंने कार्ड इमेज इम्प्लीमेंट किया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड टाइटल है, अगर मैं कार्ड टाइटल के स्टाइल देख लेता हूँ तो दैट वुड बी पैडिंग ऑफ 8 पिक्सल 0 एंड 4 पिक्सल अराउंड लाइक दिस, ठीक है। एंड आई थिंक ब्रांड की भी थोड़ी सी ओके, डिस्क्रिप्शन को थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ ताकि ऊपर से भी अलाइन हो जाए डाटा। कार्ड डिस्क्रिप्शन में हमारे पास पैडिंग आएगी 10 पिक्सल्स और 0, और इसमें फॉन्ट साइज़ अगर मैं 14 पिक्सल रख देता हूँ तो इट इज़ लुकिंग ओके। और क्या रह गया है, इन दोनों को फ्लैक्स करके आमने सामने कर देते हैं, उसमें आ जाएगा आई थिंक प्राइस बार के नाम से मे बी, या अगर मैं इस टेप को नेम दे देता हूँ क्लास नेम ऑफ प्राइस बार, या बॉटम कार्ड, तो बॉटम कार्ड में आएगा डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और बिट ऑफ मार्जिन टॉप टू बॉटम, ठीक है। लुकिंग मच बेटर नाउ। जो इमेजेस हैं उनकी हाइट का थोड़ा सा इशू है, आई थिंक इमेज अगर मैं थोड़ी सी हाइट इनकी इंक्रीमेंट कर दूँ मे बी 300 पिक्सल्स, या 300 पिक्सल्स पे अच्छा है, या मे बी 280 मे बी, अब बेहतर है। ओके, कार्ड्स तो बन गए, मोस्टली कार्ड्स
आई थिंक इसमें और इतनी ज़रूरत नहीं है इम्प्लीमेंटेशन की। लेट्स इम्प्लीमेंट लोडिंग। लोडिंग के लिए एक फाइल बनेगी लोडिंग डॉट जे एस एक्स या जे एस, आप जो मर्ज़ी प्रेफर करते हैं। और ये बेसिकली एक कंपोनेंट होगा सिंपल सा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लोडिंग, जो के रिटर्न करेगा लोडिंग। ठीक है, ये अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि अगर मैं ये रिफ़्रेश कर रहा हूँ और डाटा फेच हो रहा है सर्वर साइड पे, तो इट शुड शो अप हियर। इसको शो करने के लिए एक स्मॉल सी ट्रिक करनी पड़ेगी, जो कि है एक, मैं इसको जस्ट हैंडल एरर यहाँ पे रियल क्विक। अगर एरर नहीं है तो वी रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस एंड उसमें सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट ये करेगा कि इट विल टेक 3 सेकेंड्स टू रिटर्न दैट डाटा, और जब तक वो रिटर्न नहीं होता तो वी विल बी इन द लोडिंग स्टेट। तो इफ़ आई टेस्ट इट तो ये लोडिंग हमारे पास शो हो रही है। अब 3 सेकेंड बाद ये लोडिंग ओवर हो जाएगी तो हमें डाटा शो हो जाएगा, बट ये नहीं शो हो रही। आई डोंट नो क्योंकि हमने रिजॉल्व नहीं किया, रिटर्न रिजॉल्व। ठीक है, जब तक लोडिंग शो हो रही है तो अगर हम यूँ करेंगे एक ग्रिड ऑफ कार्ड्स शो कर दें, जो कि स्केलेटन लोडिंग जिसमें इम्प्लीमेंट हुई व्यू, तो दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो लोडिंग में स्केलेटन अगर इम्प्लीमेंट करना है तो सिमिलर ये चीज़ बनानी है। तो मैं अगर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो इट विल बी क्वाइट सिमिलर वैसे। इसमें हमारे पास डाटा नहीं होगा प्रोडक्ट्स का, तो मुझे डमी अगर मैं न्यू एरे क्रिएट कर लेता हूँ, तो एरे ऑफ 10 में भी, और उस पर मैप कर लेते हैं पी आर, और इनको मैं नाम दे देता हूँ स्केलेटन कार्ड, और सिमिलर फॉर इमेज। इमेज हमारे पास लोड नहीं होगी, इसकी जगह पे इमेज जस्ट इमेज की बैकग्राउंड शो होगी। तो लेट्स मेक इट स्केलेटन। अब जिनमें स्केलेटन की मैंने एनिमेशन शो करनी है, जो उसके लिए मैं स्केलेटन एक सिंगल क्लास यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी जो क्लासेस में इंप्लीमेंट करना है वो मैं स्केलेटन के साथ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलर फॉर दिस स्केलेटन, और टाइटल के लिए भी और ब्रांड के लिए भी, जिन जिन के साथ मैंने वो स्केलेटन लोडिंग शो करनी है उनके साथ स्केलेटन आएगा। तो बेसिकली आई थिंक यही है। अगर इसमें मैंने इन पे भी शो करनी है, इस पे एंड पे देखते हैं अगर करनी हुई तो। थिंक दैट्स प्रेटी मच इट। ओके, स्केलेटन आई थिंक ये डाटा हमें नहीं शो होगा, तो यू कैन जस्ट स्पेस स्किप दैट। एच टू की जगह सिंपल डिव भी यूज़ हो सकता है, और यस दैट्स इट। ओके, प्राइस भी नहीं है, रेटिंग भी नहीं है,
की भी नहीं है। ओके, की शो होगी। इंडेक्स ओके। ठीक है, हमें कुछ ख़ास इतना शो नहीं हो रहा। स्केलेटन को मैं डिफाइन कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 0.25 सेकेंड, ओह सॉरी रैम, और एनिमेशन जो कि इम्प्लीमेंट होगी वो स्केलेटन लोडिंग के नाम से अगर मैं रख देता हूँ 1 सेकेंड, लीनियर इनफाइनाइट, और आई थिंक कैन जस्ट यूज लीनियर इनफाइनाइट हियर, और दैट्स इट। एनिमेशन इम्प्लीमेंट करने की फ्रेम लिखने से पहले स्केलेटन का जो कार्ड है वो डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं पहले। स्केलेटन कार्ड ऑर्डर रेडियस 6 पिक्सल्स और बॉक्स शेडो, शेडो विल बी सिमिलर टू दिस। ओके एंड आई थिंक फॉर नाउ कुछ शो होना चाहिए हमें। ओके बॉक्स शेडो हमें शो हो रहे हैं। ओके सिमिलर चीज़ स्टार्ट विद इमेज आई थिंक। इमेज की जो विड्थ होगी वो कार्ड कार्ड की फुल विड्थ होगी, और हाइट जो होगी वो सिमिलर टू इमेज जो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, सिमिलर हाइट, तो हाइट विल भी सिमिलर। बॉर्डर रेडियस अगर मैं इसमें डाल दूँ तो विल भी सिमिलर टू 6 पिक्सल्स। लेट्स सी। ओके काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है अब। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में आ जाएगा हेड आई थिंक टाइटल। टाइटल में अगर मैं वेट को 70% के अराउंड कर देता हूँ और हाइट को मैं 0.7 रैम और मार्जिन को 0.5 रैम कर देता हूँ, तो हाइट से बेसिकली वो जो लोडिंग की अपनी हाइट होगी क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट तो होगा नहीं, तो जस्ट डिव शो होगा। आई थिंक यहाँ से आइडिया हो जाए शायद। ओके करंटली नहीं शो हो रहा, जब स्केलेटन लोडिंग की एनिमेशन इम्प्लीमेंट होगी तो तब कुछ आइडिया हो जाएगा। बाकी सिमिलर है प्राइस के लिए या रेटिंग के लिए, आई थिंक रेटिंग के लिए नहीं, टेक्स्ट के लिए इम्प्लीमेंट होगा। अगर टेक्स्ट में टेक्स्ट क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट है होल इसका, तो इसमें सिर्फ आई थिंक पैडिंग इम्प्लीमेंट होगी जो कि सिमिलर टू दिस है। विड्थ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पैडिंग। ओके इसके अलावा ब्रांड स्केलेटन में जो है उसको ब्रांड जो है वो काफ़ी थोड़ी स्पेस ले रहा है, तो उसको विड्थ 20% इस वजह से दे रहा हूँ। 30% भी चल सकती है, तो इट विल लुक गुड वैसे एंड पे कुछ हो जाएगा। हाइट सिमिलर आई थिंक होगी, विड्थ भी सिमिलर होगी, मार्जिन और बॉर्डर रेडियस अभी अराउंड 0.25 रैम। ठीक है लेट्स से टाइटल हो गया, ब्रांड हो गया, डिस्क्रिप्शन। ओके डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आ जाता है
आई थिंक सिमिलर एट्रीब्यूट्स होंगे, जस्ट विड्थ का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डिस्क्रिप्शन थोड़ी लेंथ वाइज ज़्यादा होती है, तो यू कैन मेक इट 90% मे बी। और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस की आई थिंक जरूर इसकी ज़रूरत नहीं है। मार्जिन बॉटम वुड बी 0.5 mm, ठीक है। तो फॉर नाउ अगर हम चेक करें तो हमें कोई ख़ास चीज़ शो नहीं हो रही, क्योंकि वो क्योंकि सारों का बैकग्राउंड कलर वाइट है। तो स्केलेटन लोडिंग का की फ्रेम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सॉरी, की फ्रेम्स फॉर्म बैकग्राउंड कलर HSL 200 कॉमा 20% कॉमा 80%। ये मैंने इंटरनेट से उठाया था, आई डोंट नो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये आई थिंक कलर जनरेटर, ग्रेडियंट रैंडम जनरेटर, इधर काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे। जस्ट रैंडम स्क्रॉल करो और यहाँ से कॉपी CSS। तो वैसे ही वहीं से मैंने उठाया था। तो फ्रॉम एंड टू सिमिलर होगा, 95% हो जाएगा, जस्ट टू शो के वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। लेट्स सी, ठीक है, प्रेटी नाइस फॉर नाउ, अच्छा लग रहा है। इसमें अगर रेटिंग और प्राइस का भी अगर डालना है तो वो भी डाल सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन जो है उसकी आप हाइट अराउंड 2 mm कर दो तो ये भी बेहतर है। आई थिंक दैट्स इट गाइस। अगर इसमें और इम्प्लीमेंट करना हो तो यू कैन मॉडिफाई इट फॉर योर नीड्स। फॉर नाउ आई थिंक दैट्स प्रेटी मच इट।